जैन दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है आशीष भारतवंशी। फिलोसॉफी की लेक्चर सीरीज हमने शुरू की थी, लेकिन हमने उसे बहुत छोटे छोटे पैमाने पर शुरू किया था। मुझे फिलोसॉफी की एक बड़ी सीरीज शुरू करनी थी, जिसमें हम इंडियन फिलोसॉफी, वेस्टर्न फिलोसॉफी, फिलोसॉफी के सारे 9 स्कूल्स, चार्वाका, जैना, सांख्य, योग, वैशेषिका, बुद्धा, मीमांसा, वेदांता, सारे हम पढ़ेंगे। प्लेटो, एरिस्टोटल, वेस्टर्न फिलोसॉफी हम पढ़ेंगे। हम इसमें सोशल फिलोसॉफी पढ़ेंगे, जैसे कि फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, है ना, कैपिटलिज्म, डिफरेंट इजम्स, या ये कह लो कि अंबेडकर थॉट्स, टैगोर थॉट्स, गांधीयन थॉट्स, फिलोसॉफी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हमारे सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं, जो हमारे सोसाइटी को शेप करने में मदद करते हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ फिलोसॉफी, एंड वी आर अबाउट टू स्टार्ट विद इंडियन फिलोसॉफी। हम भारतीय फिलोसॉफी से शुरू करेंगे। तो जब हम वेस्टर्न फिलोसॉफी शुरू करेंगे, तो वेस्टर्न फिलोसॉफी का इंट्रोडक्शन मैं वेस्टर्न फिलोसॉफी के हिसाब से दूंगा। आज मैं भारतीय फिलोसॉफी शुरू करने वाला हूं, तो उसका इंट्रोडक्शन मैं उसकी तरह से दूंगा। सो यूपीएससी में मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट फिलोसॉफी होने की वजह से मैं आपको फिलोसॉफी पढ़ा सकता हूं अच्छे से, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि मैंने जिस तरह से फिलोसॉफी पढ़ी है, आपको कुछ इसमें बदलाव लग सकते कि यार सर ये ऐसा नहीं है, आपने मुझसे ज्यादा पढ़ी होगी। फिलोसॉफी मेरा कोर सब्जेक्ट नहीं है, हिस्ट्री मेरा कोर सब्जेक्ट है। तो आपके सजेशंस ऑलवेज वेलकम है, जहां पे सजेशन वेलकम है मैं हमेशा करूंगा। सो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं हमारा फिलोसॉफी। मेरे ही नोट्स है, मेरे ही नोट्स में से मैं पढ़ा रहा हूं, और ये नोट्स मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। आशीष भारतवंशी, द भारतवंशी करके टेलीग्राम पे चैनल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो हमारा आज का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फिलोसॉफी। इंट्रोडक्शन ऑफ फिलोसॉफी में भी जैसे अगर हम बात करते हैं फिलोसॉफी की, व्हाट डज फिलोसॉफी मीन्स इन संस्कृत और मराठी और हिंदी, हम इसे दर्शन कहते हैं, दर्शन शास्त्र। किसी भी चीज के हमें जब पर्टिकुलरली पॉइंट ऑफ व्यू समझना होता है, तो उसके ऊपर हम तर्क वितर्क करते हैं, उसकी फिलोसॉफी को जानने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से भारतीय जीवन शैली में 9 स्कूल हुए, चार्वाका, जैना, बुद्धा, सांख्य, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांता, और इन सारे 9 स्कूलों ने अपने अपने सुझाव जिंदगी को लेके दिए। बीट लाइफ और बीट द वे ऑफ लाइफ और लेट से द लास्ट एंडिंग पॉइंट ऑफ लाइफ। तो इन्हीं सभी को एंडेवर करके, यानी कि इन्हीं सभी का जो निचोड़ निकला, उसी को हमने भारतीय दर्शन, या ये कह लो इंडियन फिलोसॉफी का नाम दिया। फिलोसॉफी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? जैसे अगर हम समझे कि जिंदगी के जितने भी फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, इन फंडामेंटल क्वेश्चंस के ऊपर कि जिंदगी हमें क्यों जीनी है, हम जिंदगी में आए हैं तो हमारा कोई मकसद है क्या, हम जिंदगी में कैसे आए, हमारा कोई मकसद था क्या, हमने हमारे पैदा होने से पहले हमारा मकसद तय हुआ था क्या, या हम किसी ऐसे मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं, इन सारे सवालों के ऊपर जो डिस्कशन करता है, दैट इज व्हाट अ दर्शन, दैट इज व्हाट अ फिलोसॉफी इज। और हमें जिस समय पे एंड पॉइंट ऑफ फिलोसॉफी समझ में आती है कि भैया ये सब के लिए सब प्रकरण चल रहा था,
मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था, इसमें से मैं कैसे निकल सकता हूँ। अच्छा ये एंड पॉइंट, अच्छा जन्म लेना मरना एंड पॉइंट नहीं, अच्छा ब्रह्म, अच्छा ये यहां से ऐसा जाना ये एंड पॉइंट था। तो हमें जब एब्सोल्यूट रियलिटी के बारे में पता चल जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं तत्वदर्शन। उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट तत्वदर्शन। तत्वदर्शन यानी कि विजन ऑफ ट्रुथ, सच्चाई का पता चलना। जैसे हम यहां पे रह रहे हैं, ये सब चल रहा है, ये क्या, ये माया है, हम माया के वश में है। जिस समय पे हमें सच की अनुभूति होगी, हमें जब ब्रह्म पता चलेगा, तो हम माया के वश से आधा निकल जाएंगे। जब हम पहुंचेंगे तो पूर्णता उस तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ये पता चलना कि ये सब नकली है, दिस इज नॉट द रियल वर्ल्ड, दिस इज इल्यूजनरी, हम आगे पढ़ेंगे जब फिलोसफी पढ़ेंगे तो। सो वी ऑल आर ट्राइंग टू फाइंड व्हाट इज द बेसिक विजन ऑफ ट्रुथ और व्हाट इज द रियल ट्रुथ। हमारे भारतीय दर्शन में हमें चार पुरुषार्थ दिए हैं। देर आर बेसिकली फोर पुरुषार्थ, यानी कि हमारे जिंदगी जीने के चार स्तंभ दिए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन चारों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, दिस इज द वे एंड एंड पॉइंट इज द मोक्ष, दिस इज द टीलियोलॉजी। टीलियोलॉजी, टीलियोलॉजी का मतलब क्या होता है, टीलियोलॉजी का मतलब क्या होता है, टीलियोलॉजी का मतलब होना हमारा जो फाइनल कॉज है वहां तक पहुंचना, उसे टीलियोलॉजी कहते हैं। जैसे कि हम फुटबॉल खेल रहे हैं, जिंदगी अगर फुटबॉल है, गोल मारना हमारी टीलियोलॉजी है। समझ में आई बात, ये शब्द रिपीट होगा। सो गोल मारना हमारी फाइनल टीलियोलॉजी है। तो जब हम जिंदगी जी रहे हैं, सो वी हैव टू फॉलो द धर्म। धर्म डजंट मीन द हिंदू मुसलमान, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, वो वाला धर्म नहीं। धर्म मीन्स हमारे कर्तव्य को पार पाड़ना, हमारे कर्तव्य को निभाना, हमारे कर्तव्य को पार करना, पार पाड़ना मराठी एक्सेंट आ जाता है बीच में, हमारे कर्तव्य को निभाना। धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राजयोग, सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राजयोग। ठीक है। सो जिस समय हम एथिकल रहेंगे, हम एक अच्छे ह्यूमन बनेंगे, हम अपने कर्म अच्छे से करेंगे, वी आर फॉलोइंग द धर्म। बट टू सस्टेन दैट गुडनेस वी नीड अर्थ। दुनिया में अगर सभी खराब हो गए तो आपको भी धर्म छोड़ना पड़ेगा। अगर दुनिया में कहीं पे भी पानी नहीं है, सिर्फ एक ही तालाब में पानी है और आपको जिंदा रहना, पानी के लिए झगड़े हो गए। सो देन कम्स द थिंग ऑफ देन कम्स द फाइट ऑफ सर्वाइवल, जंगल राज शुरू हो जाएगा। That is why to sustain a good life, to sustain a good karma, लोग चोरी क्यों करते, क्योंकि पैसे ही नहीं रहता घर पे, इसलिए चोरी कर रहे। So sustain a good thing, you need अर्थ। Then to carry the whole world, जैसे पूरी दुनिया चल रही है, इसको carry out करने के लिए you need a काम। If you are not reproducing, लोग पैदा ही नहीं होंगे। So for that you need a काम। काम doesn't means love, it means lust। अभी तुमने उसको बहुत प्रोफाउंड करके अच्छा शब्द दे दिया ना, इट मीन्स लस्ट, सम सॉर्ट ऑफ लस्ट यू नीड। बट ब्रेकिंग ऑल थ्री ऑफ दिस,
यूजिंग थ्री ऑफ दिस ओनली यू कैन अटेंड द मोक्ष. वी कॉल इट लिबरेशन. दैट इज द वेरी बेसिक ऑफ ऑल द स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी, इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी, एक्सक्लूडिंग चार्वका. वो सबसे बदमाश है और वो मेरा फेवरेट है क्योंकि बदमाश है ना. चार्वका को भी डिटेल में सीखेंगे, हमने लास्ट टाइम सीखा था, लेकिन चार्वका को डिटेल में सीखेंगे हम. आउट ऑफ दिस नाइन स्कूल्स, सिक्स ऑफ देम एक्सेप्ट द ऑथोरिटी ऑफ वेदा. सांख्य योग, न्याय वैशेषिका, मीमांसा एंड वेदांता. थ्री ऑफ देम जैना, बुद्धा एंड चार्वका. दे डजंट एक्सेप्ट द ऑथोरिटी ऑफ वेदा. सांख्य एंड योगा, न्याय वैशेषिका, मीमांसा एंड वेदांता. They accept the authority of Vedas. Jaina, Buddha, Charvaka, they didn't accept the authority of Vedas. इसका मतलब क्या? ध्यान समझना. Indian philosophy start होती है Vedic times से, जिस समय भारत में वैदिक सिविलाइजेशन शुरू हुआ. उसी समय से वैदिक सिविलाइजेशन के पास से फिलोसॉफी का स्टार्ट होना शुरू हो गया. आफ्टर दैट कम्स द जैना फिलोसॉफी एंड बुद्धा फिलोसॉफी. इन दोनों की भी अपनी फिलोसॉफी है और बहुत हाई लेवल की तत्व ज्ञान वाली फिलोसॉफी है. बट दे डिडंट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास. उन्होंने अपनी फिलोसॉफी थी लेकिन उन्होंने वेदास को नहीं माना. इस बंदे की अलग ही फिलोसॉफी है. इसने इन दोनों को भी नहीं माना, ना वेदास को माना. इसमें भी मीमांसा और वेदांतिस्ट फिलोसॉफी, दिस इज टोटली फ्रॉम इट्स होल हार्ट पूर्णतः ये वेदों को समर्पित है. मीमांसा स्पीक्स अबाउट द रिचुअल्स गिवन इन वेदास एंड वेदांता फिलोसॉफी स्पीक्स अबाउट द वेरी फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ वेदास एंड उपनिषदास. बट दीज टू आर टोटली वेदानुगता, यानी कि टोटली रिलायड ऑन वेदास. वेदास के बाहर का कुछ भी अलग से नहीं बता रहे, वो वेदास की फिलोसॉफी बता रहे. मीमांसा को पूर्व मीमांसा कहा गया. दिस इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द रिचुअल्स गिवन इन वेदास. एंड वेदांता को उत्तर मीमांसा कहा गया बिकॉज पहले रिचुअल करेंगे फिर उसके बाद में फिलोसॉफी शुरू होगी, तो वो उसे उत्तर यानी कि बाद में कहा गया. Now these six are Swatantra of Vedas. लेकिन इनकी जो फिलोसॉफी है ये बाकी के चार स्कूलों की, इन चार स्कूलों को इंडिपेंडेंट रखा गया है. इन्होंने वेदास की फिलोसॉफी से कुछ अलग हटके फिलोसॉफी बताई है, बट इट इज ऑलमोस्ट रिलायड ऑन वेदास समहाउ, एंड समहाउ दे आर द पार्ट ऑफ वेदास एज वेल. मतलब दे हैव गिवन समथिंग आउट ऑफ द, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कंसिडर दिस एज बीजेपी, हार्डकोर बीजेपी. दिस इज एनडीए जो नहीं छोड़ने वाले, गठबंधन तोड़ने नहीं वाले, ठीक है. सो दे ऑल बिलीव इन वन थिंग, द फिलोसॉफी ऑफ एनडीए.
like that. So this is how it. So now comes the Nastika and Astika. अब ध्यान समझना. जो छह स्कूल है और जो तीन स्कूल है जिसमें बुद्धा जैना चार्वका आते हैं, सांख्य योग न्याय वैशेषिका मीमांसा वेदांता. मैं जिस हिसाब से लिख रहा हूं ना ये उसी हिसाब से पढ़ना है हमें, क्योंकि अगर आप जब गीता भी पढ़ोगे तो उसमें देखना एक सांख्य योग दर्शन आता है, तो वो कंबाइन है ऑलमोस्ट दोनों की इधर उधर है, समझेगा आपको जब पढ़ाऊंगा. सो ये जो छह स्कूल है इन्होंने वेदों को अनुमति दी है, इन्होंने वेदों की अथॉरिटी को माना है, इसीलिए इन एंशियंट कंटेक्स्ट ऑफ फिलोसॉफी इन्हें हम आस्तिक स्कूल कहेंगे. आस्तिक यानी कि जो वेदों में आस्था रखे. फिलहाल मैं गॉड एथिज्म नॉन एथिज्म के बारे में बात नहीं कर रहा, बिलीवर्स एंड एथिज्म की बात मैं नहीं कर रहा, उस भाग को भूल जाओ. यहां पे बिलीव करना यानी किस पे बिलीव करना है, टू बिलीव इन वेदा इज नोन एज द बिलीवर्स आस्तिकास. एंड देन कम्स द नास्तिका. दीज थ्री डजंट बिलीव ऑन वेदास और डजंट गिव इट ऑथोरिटी. That's why these three schools are Nastika schools. Forget about it. What Jaina speaks about God, what Buddhism speaks about God, what Charvaka speaks about God. Forget it. फिलहाल हमें बस ये याद रखना है कि those schools which gives authority to Vedas are Astik schools, and those schools which doesn't give authority to Vedas are Nastik schools. Just keep this in mind. जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तब डिटेल में और अच्छे से हम इसे समझेंगे. नाउ अंडरस्टैंड ऑल दीज सिक्स स्कूल्स प्लस थ्री स्कूल्स. इसमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है. द वेरी फर्स्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इज इट इज टोटली बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल नेसेसिटी. जैसे लोग कहते हैं कि फिलोसॉफी का जिंदगी में क्या काम ना, फिलोसॉफी इज बेसिकली कमेंटिंग ऑन द वेरी बेसिक डे टू डे लाइफ क्वेश्चंस. हमारे जिंदगी से जुड़े हुए क्वेश्चंस के ऊपर ही बात करने की वो कोशिश कर रहा है कि व्हाई आई एम बॉर्न, why I am suffering, what is the cause of happiness, what is the cause of sorrowness. Tell me one thing, why are you earning money? To be happy. Sometimes you realize I have a lot of money but I don't have a wife, I don't have a girlfriend, I am feeling extremely alone. Oh, that's why I am feeling very sad. But what are, from how and from where I can get happiness? So these are the questions जिसके ऊपर सारी बातें हो रही है. बुद्धा सेज देर आर फोर ट्रूथ्स ऑफ लाइफ. लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग. इज इट? यस. देर इज एंड टू सफरिंग एज वेल. यस. देर इज वे टू एंड. यस. अष्टांगिक मार्ग. ओके. देन ही सेड टेलिंग अबाउट द अष्टांगिक मार्ग. फिर वो अष्टांगिक मार्ग के बारे में बता रहे कि ऐसा करना है, ऐसा करना है. शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये सब माया चल रही है. ओके. इसके ऊपर एक दुनिया है, जब तुम्हें उसका रियलाइजेशन होगा ब्रह्म के बारे में तुम नाचोगे. जैसे कि रामकृष्ण परमहंस को जब माया ब्रह्म का आभास हुआ जब उन्हें ब्रह्म पता चला व्हेन दे रियलाइज व्हाट ब्रह्म इज. आभास यानी कि सॉरी, जब उन्हें चेतना प्राप्त हुई, जब उन्हें पता चला कि ब्रह्म क्या है, व्हेन दे रियलाइज व्हाट ब्रह्म इज, They used to dance. वो नाचते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे कि ब्रह्म क्या है.
सो इन दैट मैनर अल्टीमेट गोल ऑफ फिलोसॉफी इज टू अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन लाइफ. द सेकेंड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, हाँ, चारों का अलग बड़बड़ कर रहा है, वो बड़ा बदमाश है, वो बोल रहा कुछ भी नहीं है, पीछे जाके खाना खाओ, दारू पियो, पैसा खत्म हो गया, उधार लो और फिर से दारू पियो, टेंशन मत लो. उसके एथिक्स बिल्कुल शून्य है क्योंकि वो कर्म से बाधित नहीं है ना, कि मैंने किसी के साथ गलत किया तो मेरे साथ भी होगा. नो, चारों का इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर, वन ऑफ माई फेवरेट, बिकॉज वो सोचने पे मजबूर कर देता है सामने वाले को. ही डज, लोग कहेंगे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल है, उसका अपना एक स्थान है भारतीय फिलोसॉफी में. चारवाका इज वन ऑफ माई फेवरेट. अब जो कुछ अटक पटक निकलेंगे कि बाबा नहीं है, वो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, योर ओपिनियंस आर वेलकम, बट आई फील चारवाका होल्ड्स अ स्टैंड इन द इंडियन फिलोसॉफी. जब मैं पढ़ाऊंगा तब समझेगा. देन देयर इज सेकंड पॉइंट, दैट इज द इनिशियल पेसिमिज्म. इनिशियल पेसिमिज्म यानी कि शुरुआत में ही भैया बड़ा दुखद लगता है कि देर इज पेन, देर इज सफरिंग, या अंडरस्टैंड, लेकिन बाद में जाके दे गिव यू द सॉल्यूशंस. दिस इज व्हाट द बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी. दे ऑल बिलीव इन मॉरल ऑर्डर. मॉरल ऑर्डर यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल योग ऑफ स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, दे बिलीव इन ओम. ओम से दुनिया की सृष्टि के निर्माण हुआ है और ओम में जाके हम समाने वाले. वेदांता दे बिलीव, वेदांत फिलोसॉफी बिलीव करती है, वी ऑल आर इमर्ज आउट ऑफ अम ब्रह्मास्मि. गौतम बुद्ध ऑफ स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, दे बिलीव बोधि इज द अल्टीमेट ट्रूथ. They believe कर्म होते हैं, अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी होगा. This is the moral order जिसके हिसाब से पूर्णतः दुनिया चल रही है. Fourth characteristic, ignorance. They all believe that ignorance is the root cause of all sufferings. आप कर रहे हो लेकिन आपको पता नहीं चल रहा. फॉर एन एग्जाम्पल, यू डिड समथिंग रॉन्ग विद समवन और आप बड़े एड में चल रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो, आप इग्नोरेंस में, कुछ नहीं होगा मेरे साथ, होगा. इग्नोरेंस इज द प्योर ब्लिस, लोग कहते हैं खुश रहता है इग्नोरेंस में आदमी, लेकिन जब घटित होता है अपने साथ में तो अपने को नहीं समझता. सो ऑल ऑफ देम बिलीव दैट इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग. इफ यू नो व्हाई दिस इज हैपनिंग, हाउ इट इज हैपनिंग, how you should turn this out, you won't suffer. Gita ki philosophy, Vedo ki philosophy, Gautam Buddha ki philosophy, Jaino ki philosophy. Then, another common characteristic, liberation. Now you have to understand, Charvaka in sabhi ke baare mein hi baat kar raha hai. Ye saare अपने अपने हिसाब से इनके फेवर में बात कर रहे, चारवाका इनके अगेंस्ट से बात कर रहा, बात फर्क सिर्फ इतना ही है. द वेरी अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इज लिबरेशन. लिबरेशन मींस मुक्ति फ्रॉम ऑल द सफरिंग्स. सी आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू वेरी डीप एंड वेरी इन वेरी डिटेल, मतलब आप लोगों के जैसे कॉमन जो जनता है, यूपीएससी के हिसाब से आपको लिखना नहीं है, तो आपको जितना अच्छा लग के समझ सकता उतना मैं आपको समझाऊंगा. जैसे हमने फोर एंड्स देखे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें मोक्ष लिबरेशन सबसे ऊपर है. जयनाथ स्पीक्स अबाउट लिबरेशन, बुद्धा स्पीक्स अबाउट लिबरेशन, एंड दे एवरीवन स्पीक्स अबाउट रिबर्थ एज वेल. देन देयर इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक, स्पिरिचुअलिज्म.
Now mind it, there is no presence of spirit as if in Buddhism. Buddhism में आत्मा नहीं है, लेकिन Buddhism speaks about spiritualism, that you need spiritualism to lead a good life and to attain the Bodhi. I'll teach you this in detail when we will speak about Buddhism. Just remember this, keep this in mind. Spiritualism, the think of spirit, soul, body or matter, let's say. So this is body, this is matter, and there is something called spirit. So spirit is higher than body. Spirit is all ignited, spirit is all known, spirit is all जिसको सर्व ज्ञान है, पहले से सर्वव्यापी है. नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका. सो वो स्पिरिट है कि जो बर्थ नहीं लेती, जो मरती नहीं है, वो सिर्फ बॉडी टू बॉडी ट्रांसफॉर्म करती है. सो दिस इज व्हाट स्पिरिचुअलिज्म इज. देन देयर इज अनदर पार्ट, दैट इज एपिस्टेमोलॉजी, epistemological issues. Now mind this, two words, epistemology and metaphysics. Epistemology यानी क्या होता है? Epistemology यानी कि theory of knowledge. अब आप कहोगे theory of knowledge क्या है, ध्यान समझना, और मेटाफिजिक्स क्या है, ध्यान समझना. जैसे हम वेदांत के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिस समय पे हम वेदांत के बारे में बात करेंगे, सो यहां पे हमारा जो थ्योरी ऑफ नॉलेज हो जाएगा, दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन द वेदास. जिस समय पे हम मीमांसा के बारे में बात करेंगे, दैट विल बी टोटली डिपेंड ऑन द वेदास. जिस समय हम योग दर्शन की बात करेंगे, योग दर्शन की अपनी एक थ्योरी है, इसी को हम लोग कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी. जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जैसे कि वेद कहते हैं कि वेद, जैसे कि वेदांत कहते हैं कि वेद और उपनिषद ही अल्टीमेट थ्योरी है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ना कोई अथॉरिटी है ना कुछ, वेद ही सबसे ऊपर है. वेद पढ़ो सब समझेगा, कितने भी साधु संत बाबा लोग आए, उन्होंने वेदों के बारे में कहा, वो भी बढ़े नहीं, वेद बढ़े. It is eternal. It cannot perish. Okay, अच्छा, तो ये आपकी थ्योरी है. Okay. Then there is metaphysics. What is metaphysics? तत्व और पंच तत्व, जैसे कि पांच एलिमेंट्स, धरती, अग्नि, वायु, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पांच. देन देर इज अ बॉडी, देन देर इज अ सोल, देर इज अ ब्रह्म. तो कुछ ऐसी चीजें जिनके ऊपर एपिस्टेमोलॉजी अप्लाई होने वाली है, सोल, बॉडी, मैटर, ब्रह्म, पंच तत्व, उसे हम कहेंगे मेटाफिजिक्स में, वो तत्व आएंगे मेटाफिजिक्स में. मैटर के साथ में, किसी ऐसी चीज के साथ में विच होल्ड समथिंग, जो डील करेगा, उस साइड को मेटाफिजिक्स कहेंगे. कि जो जो चीजें बॉडी, सोल, क्या क्या एलिमेंट, जैसे फॉर एन एग्जांपल, गौतम बुद्धा के मेटाफिजिक्स में मैंने गौतम बुद्धा के समय मैंने कहा था, गौतम बुद्धा डजंट स्पेसिफाई स्पिरिट, वो स्पिरिट को नहीं मानते, तो गौतम बुद्धा के मेटाफिजिक्स में स्पिरिट नहीं आएगा. स्पिरिचुअलिज्म आएगा, क्योंकि वो उनकी उनकी थ्योरी में है, वो समझना. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, 50 ओवर का गेम होने वाला है, 50 ओवर में एक ओवर में 6 बॉल होते हैं, 6 बॉल डालने पड़ते, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, दैट इज द एपिस्टेमोलॉजी. बॉल अगर टकरा के यहां से बाहर जाता है, अगर बॉल इस तरह से होता है, तो ये नियम, दिस इज एपिस्टेमोलॉजी.
क्रिकेट में कौन से कैसे कैसे यूज होने वाले हैं, जैसे कि फिलहाल जो क्रिकेट का गेम चल रहा है, अभी जो चल रहा है उसमें दो बॉल होते हैं, एक साइड से एक बॉल, दूसरे साइड से दो बॉल, दूसरी साइड एक साइड से मतलब पिच के एक साइड से एक बॉल, दूसरे साइड से दूसरा बॉल, दैट इज मेटाफिजिक्स। गेंद कितनी यूज होने वाली, पहले एक ही होता था, तो उनके मेटाफिजिकल वर्ल्ड में, मेटाफिजिक्स में एक ही गेंद रहेगा। इन अ सिमिलर मैनर आपके वर्ल्ड में मैं प्रमाण वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज इसमें सब में नहीं जा रहा फिलहाल ठीक है, फिलहाल इतना ही समझो आप। एपिस्टेमोलॉजी इज अ थ्योरी ऑफ नॉलेज जिसमें वो लोग प्रमाण मानते हैं, सोर्सेस मानते हैं। जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा ना एक एक चीज, तब आपको और अच्छे समझाऊंगा, ठीक है। अभी आपको अपने सर के ऊपर जाएगा बम, फिलहाल इतना समझो। देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, इज इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसॉफी पेसिमिस्टिक, क्या ये बहुत उदास है, बहुत रोने धोने वाली है? नोप, हमने कहा है स्टार्टिंग में, बाद में नहीं है। क्या ये डॉगमेटिक है, कट्टर है, कट्टर एकदम कट्टर अपने सोच को लेके? नहीं, ये तो कहती है कि आप ब्रह्म के बारे में तब तक बात नहीं करते जब तक आपको खुद उसकी अनुभूति नहीं होगी। सवाल करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कट्टर नहीं है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। मैं अपने हैंडमेड नोट्स हो सके तो दे दूंगा, नहीं दिया तो नहीं दूंगा, टेंशन मत लेना। आई सजेस्ट फ्यू बुक्स टू यू, जस्ट गो थ्रू इट। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन फिलोसॉफी, मैंने बहुत ऊपर ऊपर से लिया है। दिस इज हाउ इट नीड्स व्हेन आई एम टॉकिंग टू जनरल लेमैन। जब हम सब्जेक्ट्स लेंगे तो हम बहुत डिटेल में समझेंगे, लेकिन अगर मैं यूपीएससी के हिसाब से पढ़ाऊं तो ये 3 घंटे का लेक्चर हो सकता है, 2 घंटे के हिसाब से, तो मैं नहीं करने वाला वो काम। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। इतना आपके लिए बहुत जरूर काफी है, जब हम अंदर घुसेंगे तो और अच्छे से डीप में समझेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। कोई सवाल होंगे तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, मैं बुक सजेशन आपको दे दूंगा, या फिलहाल नहीं देता हूं, फिलहाल वीडियोस में से देख लो, जब आपको लगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, ठीक है। तो इसके लेक्चर कैसे कैसे आएंगे मेरे पे बर्डन मत डालो फिलहाल, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन का एक पार्ट था, मैं कोशिश करूंगा हफ्ते में 1 या 2 लेक्चर में फिलोसॉफी का डाल दूं, कभी भी आ सकते रैंडमली, मैं कोई दिन डिसाइड नहीं कर रहा। तो चलो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे, अगला टॉपिक कौन सा रहेगा आई डोंट नो, हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, जनरल टॉपिक रह सकता है, साइकोलॉजी से रिलेटेड रह सकता है ना। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।